हेलो एवरीवन, मैं प्रिया उसबी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो आज हमारी मिट्टिया रानी की पहली होली और ये अभी अपने पापा को कलर लगाएंगे। सबसे ज्यादा डर यही लगता है कि इसको खाने ना लगे। तो एक काम करो, मैं पर्पल लगवाऊंगा। हाँ भाई, मैं सोच पापा को लगा दो। पापा खिचड़ी लगाएगी। लगा ओ लग गया। और हैंड दो। कौन सा कलर है? अरे इधर लगा बेटा, लगा लगा वो बच्चा। हैप्पी होली, हैप्पी होली प्रियू, हैप्पी। मम्मा को भी लगा दो। रुको, लगवा रहा। लगा बेटा, मम्मा को भी लगा दो। हां लगा दो। ए ए अले और लगा दो, मम्मा को लगा दो। आ जाओ। देखो पूरा गिरा रहे, इसको बड़ा मजा आ रहा है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। बस बस बस, खेलने दो, खेलने दो, खेलो। गिरा लेगी भी, खेलने दो, कोई बात नहीं, साफ हो जाएगा। अरे पगला गई। हाय गोली। अरे हैप्पी होली पेट्टी। तुम सारे कलर लगाऊंगा तुम। ये खाने का क्या है, मजा आ रहा कलर लगा के? चल कलर लगाई तो लगाई, उसको फटाक से मुंह में भर ली। ये देखो कलर खा रही। ये देखो इनको कलर खाना है। खाना कलर। तो अभी ये तो एक कलर लगाने के बाद इनका ये हाल है। जरा इससे पहले का देख लो, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं ना प्रियू की फर्स्ट होली बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाना चाहती थी, बट नहीं हो पाया ड्यू टू प्रियू की तबीयत कल से ही खराब है। पता नहीं किसकी नजर लग जाती है मेरी गुड़िया को। बिट्टू, बिट्टू देखो, तो 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 नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी। हाँ मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं नहीं दिखाऊंगी। इतनी क्यूट सी एंजल है मेरी। सुबह से एक बारी भी ये नहीं बोली कि चाची चलो अबीर गुलाल कलर खेलो। रात के 8 बजे अभी मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो। एक्चुअली सबकी तबीयत खराब है, एक इनकी छोड़ के सबकी खराब है। और मैंने जो कपड़ा पहना हुआ है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेहा ने जो पहना है उसका भी मिल जाएगा। मेरी बिटिया रानी ने जो छोटी वाली ने पहना है इनका भी मिल जाएगा। सबका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सुबह क्या कुछ हुआ मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं बता दो, मैंने आप लोगों को शायद नहीं बताया कि कल से प्रियू की तबीयत थोड़ी सी खराब है। रात में कल शाम में तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसीलिए मैंने कुछ खास नहीं किया। हम लोग बस, हम हमारी फैमिली यही है, 1 2 3 4 5 लोग हैं। तो हम पांचों ने मिलके अभी जस्ट आप लोगों के सामने ही सेलिब्रेट किया हुआ है। नेहा आ गई हैं। तो चलो अभी पता है क्या हुआ, सबको प्रियू कलर लगा रही थी, मुट्ठी भर खुद भर ली। सब डर गए, कैमरा वैमरा बंद हो गया। और इनका मैंने हाथ हाथ धुलाया, अब चल रहे हैं दीदी को लगाएंगी कलर। क्यों ये फिर ना खा लें? आओ सबसे पहले तो मैं लगाऊंगी। हैप्पी होली। ज्यादा तो बाल में नहीं लगाऊंगी। कोई बात नहीं, लगा दीजिए। नहीं इतने शाम में नहाना, मतलब कलर देखो प्रियू ने क्या किया, इतने अच्छे से बना था। स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी पूरा मिक्स कर देखो। अब इनकी नजर इसी पे है। हाथ देखो, हाथ देखो। दीदी को लगाओ। कैसे लगाओगी, कैसे लगाओगी? मैं पकड़ के लगवाऊंगी। नहीं नहीं, देखो देख रहे हो, ये देखो, ये देखो। दीदी को लगाओ, दीदी को। ओ हैप्पी होली दीदी। थैंक यू बच्चा, आपको भी हैप्पी होली। हैप्पी होली दीदी के बाल लगा कर दो। कॉफी होली वाला की स्वैग में लगी पड़ी है। देखो इसको सब मिक्स करना है, मिक्स करने में मजा आ रहा है। ये देखो लगा दो मुझे। देखो मिक्स कर रही हैं। लगा दो, लगा दो, लगा दीदी, लगा दो। अरे ये क्या बना दिए, होली आंखों में गया है बे। मन मानो होली है। हां पहले इनका हाथ साफ करिए। क्या कर रही हो, क्या कर दिया तुमने? देखो ये अपने कपड़ों का क्या हाल बना लिए हैं। कौन सा लगाऊं आपको सब मिक्स करके? होली है तो कहाँ चलना चाहिए ना। और ये कौनों में चली गई? प्रियू तुम नहीं
नहीं नहीं मजा ये नहीं उड़ रहा। मैं तो अपने पति देव को ही रंगूंगी। देख ले बच्चे में ना डाले थोड़ा सा भी कलर इन उंगली पे इन लोगों से शादी कर ली। सच बताओ। अरे अरे इतना मत बचाओ पापा को। बालों का कलर मैंने रेड कर दिया। देखो ये जो है ये जो है वृंदावन गए एक जगह बैठ गए बोले मेरी तबीयत खराब है वहां नहीं खेले कलर। इनको कलर से सफोकेशन होती है सांस लेने में दिक्कत होती है और सुबह से इनकी तबीयत खराब है। दीप के प्रतिश हटो जरा हटो। अच्छा होली है इसलिए नहाए भी नहीं है। देखो पीयू कैसे देख रही है। अब रात में तुम बताओ लगा दे रात में नहाना पड़ेगा। कोई बात नहीं तिवारी जी मैं साफ कर दूंगी। अरे अभी तो लगा है रहने दीजिए। फायदा क्या फिर देखो साफ हो। देखो ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आपने कलर नहीं खेला है। खेले हो लगना चाहिए। बताओ सारे कलरों की ऐसी की तैसी हो गई। फेल के नहीं लगाना ठीक है। संभाल करना ताकि वॉल वगैरह अपना जाए। सबसे अच्छा कलर नहीं आपको लगा है। ये देखो इन भाई बहन को और किसी ने इनको ज्यादा कलर नहीं खेलने दिया। हैप्पी होली। हैप्पी होली मेरा लाल लाल नीला हरा पीला कौन सा कलर चाहिए सारे मिक्स है इसमें। बालों में मत लगाना मेरे। नहीं बालों में बस। अब वो देखो उसको भी दर्द हो रहा है उसको भी आना है। भाई हमको हम भी लगा लो। तो पापा तो कलर पा गए। हैप्पी होली लगाना मेरे को। हाँ लगाऊंगा। लगा। पिंक लगा दो पिंक पापा। नहीं नहीं ले लो आप येलो ले लो। येलो ले लो इतने चाहो। इतने में बिल्कुल बहुत आ जाएगा। कह दो पापा होना है तो येलो बालों में लगा दो पापा। अरे बालों में नहीं अरे बालों में लग गए। बहुत लगा दिया। ये सारे कलर सही से करूं पता नहीं कैसे सब लेते हैं। कौन सा कलर ऐसे करते उड़ता है तो मेरा वाला वो नहीं इतने हर्बल नहीं उड़ता वो अलग है। मत कर बेटा नहीं उड़ेगा बच्ची उड़ता बच्ची मुंह खोल के खड़ी है रहने दो। चलो ठीक हो गया खराब हो गया मत उड़ाओ नहीं उड़ेगा तो नहीं उड़ रहा है छोड़ो कोई बात नहीं बस हो गया। क्या और खेलना मैं लगाऊंगा आपको मैंने लगाया था। मरून कर दो उसको सही से बाहर खेला जाता अंदर नहीं रुकता। मेरे को लगाओगी उड़ाओ चारों तरफ जाग पड़ी मरून लगा दो फिर मैं जाऊँ नहा लो। चलो प्रत्युष आओ चलो नहाओ। तो इतने कलर लगे हुए हैं क्या लो पिंक मरून मन लो। ए दो दिन में पैर वहाँ क्लीन कर लेना उस पे मैट पे बस। हैप्पी मैं ये ग्रीन इधर सीरी बोल बस ये मरून पता नहीं कैसे मन गया। आंटी क्या चल रहा है बनाने जा रहे सब्जी बिना तेल वाले। देखो आके और पास आओ तुझे दिखा दो सब उनको दिखाओ सबको हैप्पी होली। आप लोग कैसे हैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। भाभी की बच्चे की तबीयत ठीक है ना तो मैं छुट्टी ले ली मैं आ गई हूँ। चलिए खाना बनाने जा रही हूँ बिना तेल की सब्जी आओ दिखाए उनको बहुत अच्छी टेस्टी होती है आओ पास खाने। थोड़ा सा पानी क्योंकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाएगा। अब मसाला अच्छे से पक जाएगा जब बड़ी टेस्टी आएगी तब तक मैं टमाटर पीस लूंगी इसके बीजे निकाल के तब पीसूंगी। अब हमारा जो है प्याज वाला पेस्ट बढ़िया से घुस गया है। हरी धनिया प्याज लहसुन अदरक डाल के अब डाले टमाटर। आप उनको दिखाए पास से ऐसे तुमको भूनना पड़ेगा। जब ऐसे बढ़िया अच्छे से भूख जाए मसाला चिखने लगे ना तो समझ लेना कि मसाला पक गया। अब इसमें डाल देंगे टमाटर जिसमें पीस के रखा है अच्छे से इसको पकाएंगे। मैंने सोचा आज भाभी की तबीयत नहीं ठीक है ना तो हम भी करेंगे भाभी के चैनल पे आके अच्छे अच्छे वीडियो बनाए करिए। ये मैंने आलू धुल के बढ़िया साफ करके काट लिए। ये मटर
और गोभी को मैंने बढ़िया धुल के और नमक और हल्का सा हल्दी डाल के उबाल ली है। देखो बढ़िया अच्छे से मसाला भूनने में टाइम लगता है, कम से कम 20 मिनट मसाला अच्छे से, क्योंकि तेल तो उसमें पड़ा नहीं, बिना तेल की सब्जी तो मसाला तो अच्छे से भूनना पड़ेगा। जब तक मसाला अच्छे से नहीं भूनोगे तब तक कैसे आएगा, अच्छा नहीं आएगा ना। जब बढ़िया से मसाला भून जाएगा देखो तो ऐसे मसाला भूनना पड़ेगा, सिर्फ सिंपल सा है, कोई चीज नहीं पड़ी, सिर्फ सिंपल सी है। और सबसे आसान ये है कि बिना तेल की सब्जी खा लो ना, बहुत टेस्टी लगती है। देखो ऐसा मसाला हमारा जब हो जाएगा ना, पहले इसमें आलू जाएंगे, आलू डाल के अच्छे से पकाना पड़ेगा आपको, बढ़िया मसाले में मिल जाए। गोभी डाल रहे हैं, इसको 2 मिनट भूनना पड़ेगा। आलू मटर टमाटर सब बढ़िया मसाला फुला सब डाल के सब्जी डाल के भूननी पड़ेगी 10 मिनट। अब हमारी सब्जी अच्छे से 10 मिनट से ज्यादा भून दी हमने। अब इसमें डालेंगे पानी, अब इसमें पानी डाल के मुझे पकाना है, चाहे चावल के साथ खानी हो चाहे जिसके साथ खाने अपने हिसाब से। सब्जी मसाला और नमक, बाकी कोई मसाला नहीं डालते। पक गया हमारा, बस बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ उसको ढकना है। ये हमारी सब्जी बन, सब्जी देखो कलर तो अच्छा आ गया, बताओ लग रहा है इसमें तेल नहीं पड़ा है। देखो अब पकते और पकेगी ना तो अच्छा सा कलर आ जाएगा। देखो अच्छी पास में सब्जी बन गई, देखो मैंने कुछ भी नहीं डाला, कलर अपने आप ही आ जाता है। सब्जी चाहे जब बनाओ ना तो उसको ढक के धीमी आंच पे पकाओ, सब्जी का कलर आ जाता है। असली में धनिया हमने देखो काट के रख लेते हैं, काट के रख लेते हैं 1 हफ्ता आराम से चलती है, बढ़िया अच्छे से काट के रख लेते हैं। अब इसमें धनिया डालेगा, धनिया फेंक के मारो। आप लोग बताना जैसे बनी है वैसे बताना आप लोग कैसी सब्जी का कलर कैसा आ रहा है, क्योंकि पास तो है नहीं जो खा के बताओगे। बाय। आटे में कुरकुरा बढ़िया खस्ते वाली बनानी है ना पूरी, तो ये लो सूजी थोड़ी सी, थोड़ी सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन, भैया के लिए बना रहे हैं रोटी, ये सबके लिए बना रहे हैं पूरी। अब त्योहार है सब लोग तो खाएंगे थोड़ा बहुत, एक आधा तो खाएंगे ना, त्योहार तो कहते हैं कि वो तावा नहीं चढ़ता, मगर भैया के लिए भैया को मना है ना, इसीलिए तो थोड़ा बनाना पड़ेगा। तो आटा सान ले तब मिलेंगे बाहर, अच्छे से बढ़िया आटे को सान के कुछ देर के लिए थोड़ा सा मैंने रख दिया, बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गया। अब इसकी पूड़िया बनाएंगे, हल्का सा बढ़िया इसको और गूंधेंगे ना ऐसे, तो बढ़िया अच्छी सी पूरी फूलेंगी हमारी, फूली फूली अच्छी, थोड़ी थोड़ी लोहिया तोड़ देंगे बस तो अपने हिसाब से, जिससे पूरी बनानी हो उसके हिसाब से बनाना। हमको तो पूरी बनाने कोई कहे दे तो हम पूरा दिन पूरी बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है पूरी बनाते हुए। केवल हमारे अच्छे से गर्म हो गए हैं, इसमें मैं पूड़ियाँ डालूंगी, भूल जाना बेइज्जती ना करवाना। देखो मेरी पूरी अच्छी से फूल रही है। पूरी बना रही हूँ, नेहा दीदी ने देखा रही है पास से, अब दूर से दिखा रही हूँ। हर इंसान को पूरी बनाना आता है तो है नहीं, मगर आज मेरे भाभी के मोबाइल पे मैंने कब्जा कर लिया। देखो पूरी अच्छे से फूल नहीं पा रही, बहुत लोग हैं तो ऐसे कमेंट करते हैं, ये है प्रिया दी वो है, हमसे पूछो कैसे है, हम के बाद पिछले 6 साल से रहते हैं ठीक है। वो जो दिखाती है जो करती सही दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है कुछ की करे कुछ और दिखा दे कुछ और,
किसी के बारे में अगर बोलना तो पहले सोच लो तब बोलो, ऐसे नहीं किसी के बारे में कुछ बोला जाता है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी हूँ सच में बता रही हूँ। अब आप लोग बताना, आज हम भाभी के मोबाइल पे स्टार्ट किए हैं वीडियो, हमने हम लोगों ने बनाया कैसा लगा? अगर अच्छा और सकल बढ़िया अच्छी से लाइक सब बढ़िया कमेंट करोगे अच्छे से तो हम ऐसे ही बनाएंगे भाभी को वीडियो। अब भाभी से बताया नहीं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हम लोग ऐसे बना रहे हैं थोड़ा बहुत अभी थोड़ा मतलब जवान अच्छी से लगती नहीं है कि मतलब कुछ बोलने में थोड़ा सा अलग है क्योंकि थोड़ा जवान लड़का जाती है। क्यों नहीं यार, हमने अब दिया मिल के दोनों लोग अपना अच्छे यार, हमको खुद ही पता चलता मैं काम करती हूँ यहाँ, हम लोग ऐसे रहती। अगर ऐसा अगर होता ना तो पिछले 6 साल में कौन रहता, कोई नहीं रहता, मगर हम लोग ऐसे रहते हैं कि पता ही चलता। अभी सच में बहुत अच्छी है उनके, हम लोग कमेंट पढ़ते हैं बहुत गुस्सा आती है क्योंकि हम भी चलाते हैं मगर हम भी देखते हैं, ऐसे मत बोला करो किसी दिल पे छू जाए। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, लाइक्स करिए, बढ़िया से करिए, अच्छे से हम लोग वीडियो अच्छे अच्छे बनाए और बताना कैसे वीडियो आपको चलिए वैसे हम लोग बना के देंगे। हम लोग बहुत मतलब हंसी वाले, ऐसा नहीं कि मुँह खुला के बैठ जाए, हम लोग क्या तो थोड़ा बहुत भैया की तबीयत और बच्चों की तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा मस्ती नहीं कर पा रहे हैं, बाकी देखा जाएगा सब ठीक रहेगा तो ऐसे ही बड़े अच्छे से वीडियो बनाएंगे। अब मैं भी आ गई हूँ कैमरे के सामने, तो पूरी बन चुकी है, मैं बैक कैमरे से रिकॉर्ड कर रही थी बट सोचा कि मैं भी थोड़ा सा आ जाऊँ, तो यहाँ पे पूरी ये इन्होंने बना के रखी हुई है, पूरी तो हम सबके लिए बनी हुई है और चाचू ने यहाँ पे रोटी बन रही है। एक्चुअली बाहर ना होलियाँ होली चल रही है तो सब जगह गाने रंग वंग यही सब हो रहा है, बालकनी खुली हुई मैं उसमें बंद करके आ रही हूँ, आवाज आ रही थी। रोटी नहीं दिखाते इसलिए दिखा रही हूँ ना, फिर बाद में कमेंट करते अरे नहीं थोड़ी सबके लिए बनी होगी इसीलिए हमने कहा रोटी भी दिखा जाए क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि दिखावा होता है, यहाँ दिखावा नहीं होता, दिखावा उनके घर में होता है जिसके घर में हमेशा होता है, हम लोग दूर नहीं मिलते। ठीक है, हमारे यहाँ जो होता है सप्रिया सामने होता है, दिखाया जैसे होता है सामने होता है। ठीक है, यहाँ दिखावा की दुनिया नहीं होती, यहाँ सिर्फ जो देखाया जो देखा होता वही है। फाइनली हमारी रोटी बन गई, रोटी बन के तैयार हो गई, मेरा काम हो गया, खाना बन गया, जाएंगे बढ़िया अच्छे से घर में, होली वोली है तो सब लोग कलर खेलेंगे एंजॉय करेंगे। अभी जस्ट मैं वीडियो एडिट कर रही थी, मैंने देखा कि नेहा और आरती ने होली के दिन वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, मुझे देख के बड़ा मतलब सरप्राइज हुआ कि आरती इतने अच्छे से बोल रही, इतने कॉन्फिडेंस के साथ विदाउट एनी कट। हाँ मतलब कोई भी कट नहीं है, आपको आवाज थोड़ी सी अलग दिखेगी जैसे बिकॉज मैंने जो है वॉइस क्या बोलते हैं उसको वॉइस रिमूवर उसको मैंने यूज किया हुआ है जस्ट बिकॉज यहाँ पर चिमनी वगैरह चल रही थी ना तो आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी, सो इतने अच्छे से बात कर रही है मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। प्लीज एक कमेंट मत कीजिएगा कि मुझे एक कमेंट बहुत ज्यादा आता है कि भैंस जैसे खुद तो लेटी है बिटिया से काम करा रही है, दिमाग इतना डिस्टर्ब कर देते हो आप लोग ना कि मन करता है कि सच बता रही हूँ काश आपके कमेंट ना आप मुझे मिल जाओ ना, बाल बाल खींच के दीवार में भिड़ा दूंगी, इतना तेज गुस्सा आती है मुझे, लेकिन फिर सोचती हूँ कि आप कितनी गंदी सोच धारण कर ले, इतनी गंदी सोच के हो, आपके परिवार वाले आपको कैसे कैसे मतलब बर्दाश्त करते होंगे, मैं तो यही सोच के अपने आप को पीछे हटा लेती हूँ कि ये क्योंकि वही मानसिकता वहाँ भी चलती होगी। हाँ हो सकता है कि आपकी फैमिली में यही सब होता हो कि किसी को भैंस बोल रहे हो, किसी को कुछ बोल रहे हो बिटिया को, और काम भाई क्यों ना कराए, हमारे यहाँ कौन सा इतना सारा काम है, हमारे यहाँ हर किसी के लिए मतलब है, आरती हमेशा ही रहती है। ठीक है, और थोड़ी बहुत काम नहीं करेंगे उनके ससुराल आप जाके करोगे, आप जाओगे नहीं, आप चले जाओ तो मैं नेहा से एक भी काम ना कराऊं, थोड़ा बहुत तो कराऊंगी सीधी सी बात है, आप उनके घर नहीं जाओगे, उनकी हैबिट अगर यही रहेगी सिर्फ लेटना सोना, हमारे यहाँ सिर्फ यही है, स्कूल भी बंद है। आप लोगों को नहीं पता कि इंसान कितनी फ्रस्ट्रेशन कितना मतलब कैसे जी रहा है, उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, बस आप लोग आके बकवास करके चले जाओ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।